हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ड्रेंस मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और हम यहां पे पढ़ रहे हैं क्लास फाइव की मैरीगोल्ड बुक नाउ वी हैव ऑलरेडी फिनिश द बुक वी आर गोइंग टू लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एमसीक्यूज ऑफ द थर्ड चैप्टर इन दिस वीडियो ठीक है फर्स्ट टू चैप्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं द नेम ऑफ द थर्ड चैप्टर इज टीम वर्क इट्स अ पोम एंड लेट्स स्टार्ट विद द विद्यूज पहला क्वेश्चन है पोएट ऑफ द पोम टीम वर्क कौन है पोएट ऑफ द पोम टीम वर्क इज फैन नीग्रो जैन नीग्रो लैन नीग्रो और सैन नीग्रो दैन नीग्रो वट बिकम्स अस इन अ टीम वर्क एक टीम वर्क में अस मतलब हम क्या होते हैं दे एंड शी ही मिल के बनता है हम अस दंसर इज यू ओ मी ड्रीम कैन बी अचीव्ड बाई कोई भी सपना जो आप देखते हो वो आप कब अचीव कर पाते हो बाई ट्री बाय बास्केटबॉल बाई टीम वर्क और नन ऑफ दीज ऑब्वियसली टीम वर्क से ही आप अपना सपना पूरा कर सकते हो नेक्स्ट इज वट इज द मीनिंग ऑफ टीम वर्क टीम वर्क का मतलब क्या होता है कम्बाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप एक ग्रुप का कंबाइंड एफर्ट गोल या शूट्स या हु कम्बाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप

टीम वर्क में हम अपने ड्रीम को क्या कर सकते हैं वर्क ट्री गेम या प्ले हम अपने ड्रीम को वर्क कर सकते हैं मतलब हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं यहाँ वर्क का मतलब होता है पूरा करना इज फन क्या है टू शूट दॉल बास्केटबॉल फेंकना बिकेम एन अस एक अस बन जाना बिग प्लस और नन ऑफ दीस फन है टू शूट द बैस्केटबॉल वी आर द पार्ट दैट मेक्स अप हम वो पार्ट्स हैं जो एक होल बनाता है द आंसर इज होल नॉट हाफ नॉट क्वार्टर नथिंग आंसर इज होल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ नो बड़ी पास इज दो बड़ी शूट द अगर कोई पास ही नहीं करेगा तो कोई क्या नहीं फेंक पाएगा फुटबॉल बास्केटबॉल हैंडबॉल या फन बॉल द आंसर इज बास्केटबॉल डैश कांट गो न किस में यूज होती है एक रिले रेस में यूज होती है तो रिले रेस में क्या होता है एक पर्सन जो होता है वो रन करता है उसके हाथ में एक बेटन होता है जो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है उसको वो दूसरे को पास करता है फिर ऐसे करते करते जो है वो फाइनल जगह पे पहुंचते हैं सो so, क्या नहीं कंटिन्यू हो सकती अगर बैटन पास नहीं होगा एक रीले रेस रेस नॉट कबडड्डी नॉट हॉर्स नॉट क्रिकेट आंसर इज रीले रेस इन अ रीले रेस अ टीम हैज अब अगर एक रिले रेस है रिले रेस में रिले रेस में एक इंसान तो हो नहीं सकता वन रनर हो नहीं सकता नो रनर होगा तो रेस ही नहीं होगी टू और मोर रनर्स दो या दो से ज्यादा रनर्स हो सकते हैं येस स्लीपिंग पीपल होते हैं नो दे आंसर इज टू और मोर रनर्स वेन आर यू और मी बिकम्स एन आस इसको क्या कहते हैं अगर आप और मैं मिलके अगर हम हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं सॉलीट्यूड अकेलापन एंगर गुस्सा जेलसी मतलब एकदम जिससे जलन बोलते हैं या टीम वर्क तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टीम वर्क अब बेटन इज बेटन क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था बेटन जो है इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप होल्ड करते हो एंड यू रन सो द आंसर सिलेंड्रिकल ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर या इनविजिबल बेटन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है दिखता ही नहीं है नो दिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है नॉट ट्राइंगुलर नॉट रेक्टेंगुलर अब नेक्स्ट इज कॉमन एक टीम वर्क का मतलब ये होता है टीम के सारे लोगों का एक ही उद्देश्य है एक ही गोल होता है तो वी a कॉमन फ्रूट गोल डेस्टिनेशन या फ्रीडम आंसर इज गोल द मैसेज ऑफ द पोम इज इस पोम का मैसेज क्या है मनी इज एवरीथिंग पैसा ही सब कुछ है ऑल इज वेल दल अंत भला तो हो सब भला डिवाइड एंड रूल या यूनिटी स्ट्रेंथ द आंसर इज एकता में ताकत है यूनिटी इज स्ट्रेंथ समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस मीन्स कभी कभी इट कैन बी अ बिग प्लस मतलब जो टीम वर्क होता है अस कैन बी अ बिग प्लस इसका मतलब क्या होता है इट कैन प्रूव टू बी मीनिंगलेस वेस्ट है नो इट कैन प्रूव टू बी बोरिंग नो न बी फ्रूटफुल मतलब इससे आपको एक ऑपॉर्चुनिटी मिल सकती है दैट इज दंसर समटाइम्स इट कैन बी अग प्लस का मतलब होता है इट कैन बी फ्रूटफुल्यूज शॉर्ट एंड स्वीट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ये सारे वीडियोज कहा मिलेंगे मैग्नेट ग्रीन की वेबसाइट पे सो यू जस्ट हैव टू विजिट मैग्नेट ग्रीन डॉट कॉम होम पेज पे यू कैन सी ऑल द कोर्सेज क्लास सेलेक्ट करो जैसे आपने क्लास फाइव सेलेक्ट किया आपको सारे सब्जेक्ट्स आ जा जाएंगे यू विल सेलेक्ट इंग्लिश क्लास फाइव मेरी गोल्ड बुक एंड चैप्टर सेलेक्ट करोगे एंड यू विल स्टार्ट दैट इज इट थैंक यू सो मच आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टेक केयर बाई